अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा होनर 8X का FRP और पासवर्ड आप हाइड्रा डोंगल से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रा डोंगल का जो 2023 का अपडेट है उसमें अनलॉक नहीं हो रहा है, सब लोग तो जानते हो। तो उसी का हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं कि इसका अनलॉक, हाँ स्विच का थोड़ा, क्योंकि पीछे का जो बैक पैनल है फास्ट में ओपन करना चाहिए, नहीं तो आपका अनलॉक नहीं होगा। क्योंकि इसका जो टेस्ट पॉइंट है, ये देख सकते हो इधर तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट का जो मिडिल का है उसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट करना पड़ता है। तो इसको अनलॉक कैसे करना पड़ता है मैं अभी दिखाऊंगा आपके सामने। आप देख सकते हैं इसके अंदर पासवर्ड FRP सब कुछ है। तो चलिए इसका FRP और पासवर्ड कैसे अनलॉक होता है मैं दिखाऊंगा। इसका बैटरी कनेक्टर मैं रिमूव कर लेता हूँ और मैं हाइड्रा डोंगल को USB मतलब PC पर कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हाइड्रा डोंगल का जो मेन सेटअप उसको मैं रन करता हूँ। और हाँ, इधर ड्राइवर दिखाने के लिए मैं ये डिवाइस मैनेजर ओपन किया। इधर नो कर देता हूँ क्योंकि मेरे ही वीडियो है हाइड्रा डोंगल पर अनलॉक होता है तो मैनुअली लोडर सिलेक्ट करके अनलॉक होता था, क्योंकि अभी वो अपडेट देने के बाद वो चला गया। देख सकते हैं अब एक ही सेटअप पर सब कुछ है। तो चलिए इसको अनलॉक करने का जो तरीका है वो मैं बताऊँगा। तो इधर हाई सिलिकॉन पर क्लिक करना है। उसके बाद इधर देख सकते हैं आप सिंगे सिंपल सा एक लोडर देके, मतलब लोडर आपको देना नहीं चाहिए, इधर ही सिलेक्ट करना पड़ता है। उधर लोडर देके ऑटोमेटिकली अनलॉक होता था, उसके बाद FRP रीसेट। तो मेरा वीडियो है, मैं आई बटन पर दे दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो वो तो देख के काम नहीं आएगा क्योंकि वो फर्स्ट का था। अभी जो न्यू अपडेट है इसमें वो ऑप्शन ही हटा दिया हाइड्रा वालों ने, बहुत अच्छा नहीं किया। सो इसका अनलॉक करने का तरीका बहुत मतलब हार्ड है, तब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। देख सकते हो इसके एक मॉडल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, होनर 8X का जो 4-5 मॉडल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मॉडल 7, तो मैं एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, जो टेस्ट पॉइंट है उसको मैं बैटरी कनेक्टर को आपको ओपन करना है। उसके बाद ये ग्राउंड को साथ शॉर्ट किया जो मिडिल का पॉइंट है, उसके बाद मैं USB इनपुट कर रहा हूँ। हाँ, तो आप सुन पा रहे हैं कि ये कनेक्ट हो गया। और हाँ, ये ड्राइवर आपके PC पर सही से होना चाहिए, देख लो ये Huawei USB COM 1.0 ये ड्राइवर होना चाहिए, नहीं तो आप YouTube से देख के आप डाउनलोड कर सकते हो और कनेक्ट भी कर सकते हो। तो अब क्या करना है, हाइड्रा पर चलाइए और उसके बाद हाई सिलिकॉन इधर मॉडल भी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये रेड इन्फो पर बूट लोडर और टेम्पोरली अनलॉक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यही तो मेन ट्रिक है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, हाँ अब ये ट्रिक तो किसी ने YouTube पर डाला नहीं है। अब क्या करना है फिर से देख लीजिए, इधर ओके नहीं करना है। उसके बाद फिर से USB इनपुट का रिमूव कर लीजिए। उसके बाद फिर से मतलब रिमूव कर लेना है। उसके बाद फिर से टेस्ट पॉइंट पर इनपुट करना है। हाँ, फिर से मैंने कर दिया, तो आपको भी मैं दिखा देता हूँ। हाँ, फिर से मैं USB डिसकनेक्ट करके इनपुट किया और इधर बैटरी कनेक्टर को भी लगा देना है। उसके बाद इधर ओके बटन है, इधर क्लिक कर देना है। तो इसके अंदर जो लोडर जाएगा शायद 5 लोडर जाएगा। उसके बाद थोड़ा वेट करना है क्योंकि जब तक हमारा मोबाइल ADB पर इधर नहीं आएगा तब तक मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। तो ADB पर अनलॉक हाइड्रा टूल से नहीं होगा, किसी दूसरी टूल से करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि हाइड्रा से बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा तो हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो था वो अब फैक्ट्री मोड में चला गया। देख सकते हो एंड्रॉयड सेंसर सिंगल ADB इंटरफेस। तो सब लोग सिंपल सा ट्रिक सब तो यूट्यूब पर दिखा देते हैं,
कि इधर पर क्लिक कर दिया और आपका अनलॉक हो गया। तो आप खुद देखो, क्योंकि ये हाइड्रा टूल में बूटलोडर अनलॉक करता है मगर मोबाइल को कंप्लीट नहीं अनलॉक करता है। देख सकते हो, नहीं अनलॉक हुआ मोबाइल। मोबाइल अनलॉक होता तो ये जो ATP ड्राइवर है ऑटोमेटिकली क्लोज होता और मोबाइल ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाता। तो देख लीजिए, और भी बहुत सारा ट्राई करते हैं। ये फैक्ट्री मोड का ये भी फेल है कि क्योंकि इसका जो किरण 710 का CPU है, इसका सिर्फ बूटलोडर अनलॉक करता है मगर अनलॉक नहीं करता है। ऐसे ही मोबाइल अनलॉक नहीं कर पाएगा। सिर्फ बूटलोडर अनलॉक करने के लिए हाइड्रा टूल में यूज़ किया। तो अभी का जो मोबाइल का मोबाइल तो हमारा अनलॉक नहीं हुआ, ये अब अनलॉक किससे होगा? तो सिंपल सा ट्रिक, MRT का जो ओल्ड वाला सेटअप है वो क्रैक में यूज़ करूँगा। ये है मेरे पास ऑलरेडी, मैं डाउनलोड किया हूँ, यूट्यूब पर बहुत सारा है, आपको मिल जाएगा। मैं ये सिर्फ क्रैक ऑलरेडी बना चुका हूँ, क्योंकि नहीं ओपन होता है तो मैं आपके सामने बनाऊँगा। शायद ओपन नहीं हुआ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। आपके पास आपके साथ मतलब आपके सामने मोबाइल कनेक्ट है, देख सकते हैं। और ये ADB ड्राइवर, क्योंकि ये USB जब डिसकनेक्ट हो जाएगा तब नहीं काम करेगा। तो आप तो देख सकते हैं ये ड्रॉइड कैम है, ये मैं इंटरनेट तो डिसकनेक्ट कर दिया, तो ये तो ऑनलाइन कनेक्ट होता है ना, इसलिए मोबाइल नहीं कनेक्ट हो रहा है। सो जो भी है मैं अनलॉक करके दिखाता हूँ आपको, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। MRT की हाँ, अब हुआ ये प्लस आर पे क्लिक करना है, उसके बाद फटाक से वन क्लिक में आपका अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही तो आपका बूटलोडर अनलॉक है। मैं आपके सामने फिर से दिखा देता हूँ, ये हमारा मोबाइल जो ADB ड्राइवर है, और ये हमारा MRT क्रैक वर्सन है। तो आप क्या करना है, सिर्फ अनलॉक टूल पर जाना है और EasyRFRP बस स्टार्ट, बस कुछ सेकंड में मोबाइल आपका अनलॉक हो गया। 100% टेस्टेड सॉल्यूशन है, 100% काम करेगा गारंटी के साथ। देख सकते हो, बूटलोडर डिस्क विल बी रिबूट, फैक्ट्री रीसेट, ओके। तो 100% मोबाइल अनलॉक हो गया। फिर से मैं इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ, मेरे ड्रॉइड कैम शायद कनेक्ट होगा कि नहीं होगा वो तो नहीं जानता हूँ। फिर से इसको बस आपके सामने ही कनेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं ये मोबाइल अनलॉक हुआ। अब ये मोबाइल फुल ऑन होगा, क्योंकि इंटरनेट नहीं था तब ये मोबाइल ऑफ हो गया था। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अरे नहीं क्लोज होगा, अब ये थोड़ा टाइम लेगा मोबाइल ऑन होने में, क्योंकि ये अनलॉक हो चुका। और इसके अंदर जो FRP पासवर्ड जो भी था सब कुछ अनलॉक हो जाएगा, 100% टेस्टेड। तो सामने ये मोबाइल अनलॉक हो गया, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको सेटअप करूंगा,
ठीक है, 100% टेस्टेड वीडियो, कोई फेक वीडियो नहीं है। यूट्यूब पर आप सर्च करके देख सकते हैं, ये वीडियो नहीं मिलेगा क्योंकि हुनर का अनलॉक सबके पास तो अनलॉक टूल नहीं होता है, हाइड्रा टूल सबके पास होता है। क्योंकि हाइड्रा टूल एक बार खरीद लिया तो उसके बाद रिचार्ज नहीं करना पड़ता है, अनलॉक टूल तो महीने में रिचार्ज करना पड़ता है, सो वन ईयर का रिचार्ज करना पड़ता है। तो देख सकते हैं मोबाइल अनलॉक हो गया, इसका मैं फुल डिटेल्स दिखाता हूँ। हाँ देख सकते हो ये मोबाइल अब अनलॉक हो गया। सो मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, दिल से शुक्रिया, और आपसे हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, कहीं भी नहीं मिलेगा।